गाइज वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करके मेरे से रीडिंग ली है और मैंने सोचा चलो इसे जनरल रीडिंग में बना देती हूँ कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन किसके लिए होगा, आपके लिए होगा या फिर थर्ड पार्टी के लिए होगा। तो आज इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन है किसके लिए है, पर आपके लिए है कि या थर्ड पार्टी के लिए है। जिसके लिए भी होगा देखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल उसे ध्यान से देखिएगा, इस रीडिंग को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा पेशेंस वो रख कर देखिएगा इस रीडिंग को। जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। अभी किसके लिए होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, टाइमलेस भी है, कभी भी देख सकते हो आप। चलिए अभी कार्ड सफल हो गए हैं, अभी नेक्स्ट एक्शन इनका देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इनके एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ दो कार्ड से कि इनके एनर्जीज़ है क्या, फिर आपके कार्ड्स ले लूँगी एंड थर्ड पार्टी के ले लूँगी। थोड़ा अलग अलग हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए इनके दो कार्ड्स इनकी तरफ से ले लेते हैं। रिवर्स में आ रहे हैं कार्ड्स, तो मुझे मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। मेरे को साइन मिलती है ना तब मुझे लगता है कि मतलब लेना चाहिए, ठीक है। एक कार्ड्स और लूँगी इनकी तरफ से। ओके सो नाइस। चले इनकी तरफ से जो एनर्जीज़ मिल रही है तो कहीं ना कहीं देखो बैलेंस तो बन रहा है। इनकी तरफ की जो एनर्जीज़ है पहले रीड कर लूँ, ठीक है। इनकी तरफ की एनर्जीज़ अभी देखो, इनकी तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं डिसीज़न इन्होंने ले चुके हैं, ये डिसीज़न ले चुके हैं ये। और डिसीज़न जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल डिसीज़न है और होशो हवास में लिया है डिसीज़न इन्होंने, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और काफ़ी जो डिसीज़न है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है इस डिसीज़न को देखकर कि बहुत ज़्यादा सपने थे इनके, बहुत कुछ ऐसे ड्रीम्स थे, बहुत कुछ ऐसे सपने थे जो इन्होंने किसी के साथ देखे थे और बहुत मतलब फ्यूचर में सोचा था ये वो। और काफ़ी हैप्पी लाइफ आ रही है मेरे को, पास्ट की एनर्जी जिसमें पता नहीं क्यों आ रही है इस कार्ड्स को देखकर, कि जैसे पास्ट में किसी के साथ वादे किए थे, बातें की थी और काफ़ी लंबा टाइम जो है वो गुजारा था और एक अच्छी लाइफ थी, बहुत खुशियों वाली लाइफ थी, बहुत हैप्पी थे ये। और पूरी तरीके से होशो हवास में कुछ डिसीज़न लिए थे, कुछ फैसले लिए थे कि भाई हम इस तरीके से हमेशा से साथ में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, ये चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। बट इस समय पर जो एनर्जीज आ रही है इनकी, जो मैं देख रही हूँ इनकी फीलिंग्स, तो कहीं ना कहीं एक उदासी दिखाई दे रही है इस कार्ड्स में। एक उदासी, एक ऐसी फीलिंग्स दिख रही है जिसको देख कर ऐसा लग रहा है कि मान लो इनके सपने जो है वो टूट गए हैं एंड कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक परेशान है, स्ट्रेस में है, तनाव में है इस समय पर। और इनको जो है वो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये किस तरीके से जो है वो अपने रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि इनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इनकी तरफ से हुई हैं जिसका इन्हें बहुत दुख है, बहुत पछतावा है। किसी ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देख कर कि जैसे ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसी चीज़ें लाइक कुछ चीटिंग, कुछ ना समझा किसी को या फिर अपने वादे से मूव ऑन कर लिया, ये ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जो तीसरा कार्ड में मतलब ये जो कार्ड ना ये दिखा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि भाई इनको जो है ना वो आज इस पर फोकस कर रहे हैं तो इनको ख़राब लग रहा है, मतलब कि मैंने क्यों, मैं इस रिश्ते को छोड़ रहा हूँ या मैं क्यों इस रिश्ते को तोड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है जैसे कि ये जो है वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इस रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। और एक नई तरीके की या तो शुरुआत भी बोल सकते हो कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कोई बैलेंस बनाना जा रहे हैं, मतलब कुछ बैलेंस जो है वो उन्होंने बनाया है या फिर बैलेंस करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मतलब यहाँ पर बार बार इनकी बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मूव ऑन किया है, डिस्टर्ब हुई है इनकी रिलेशन बहुत बुरी तरीके से। इस समय कहीं ना कहीं बर्डन भी दिख रहा है और कुछ गलत फहमियों की वजह से भी चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो गई थी जिसकी वजह से इन्होंने जो है अपने रिलेशन को छोड़ दिया था। बट अभी नाउ कंडीशन जो आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि दोबारा से कुछ डिसीज़न लिए हैं और ये डिसीज़न जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है या तो कल लिए हैं डिसीज़न इन्होंने या फिर आज लिए हैं
हैं, कुछ नाइट में फैसले लिए हैं। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि मतलब रिसेंटली डिसीजन है, या आज या कल में या नाइट में डिसीजन उन्होंने लिया है कि भाई हमें इस तरीके से नहीं करना, मुझे अपने रिलेशन को बैलेंस करना ही होगा। तो ये इनकी फीलिंग्स, ये इनकी एनर्जीज आ रही है। तो अभी जो एनर्जीज आ रही है आप इन थ्री कार्ड्स के बेस पर अभी देख लेते हैं, कुछ आपके कार्ड्स और कुछ इनके कार्ड्स, फिर मैच करके बताएंगे कि मतलब क्या है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड देखते हैं, तो आपके कार्ड्स ले लेती हूँ मैं पहले। ओह माय गॉड, आप तो बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए हो, बहुत परेशान दिख रहे हो मुझे, आप स्ट्रेस में दिख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या बहुत ज़्यादा, रिलेशन ख़त्म नहीं करना चाहते हो, तनाव दिखाई दे रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में आपका, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के कार्ड्स लेंगे, ठीक है। रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, आप या तो आप मैरिड में हैं या फिर आपका फ्रेंड सर्कल लिव रिलेशनशिप में आप रहे हो, वो था डिफरेंट साइड मैरिड भी आप दोनों के बीच में हो सकता है रिलेशन। ये है थर्ड पर्सन के, कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, थर्ड पार्टी ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये फैमिली है या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू मिला है, कोई वर्क प्लेस पर है, लेकिन ये कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत क्लेवर एनर्जीज आ रही है, दिमाग पलट दिया है मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का पूरी तरीके से, जिसकी वजह से ही ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर दूरियां हैं यहाँ में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है जैसे कि मतलब माइंड वॉश करना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बातें करना, थ्रोट चक्र की एनर्जीज भी है ना, जो कि मतलब ऐसे इस तरीके से बोलना बात करना जो कि एक जैसे कि मतलब उनको पूरी तरीके से अपने वश में कर लेना, कंट्रोल में कर लेना एंड प्रेशराइज कर सकता है थर्ड पार्टी। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगेन मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए, लेना चाहूँगी। ओके, आपके लिए जो कार्ड आया वो हील का कार्ड आया हुआ है। आई थिंक हीलिंग मांग रहा है आपका रिलेशन, या फिर आपका रिलेशन हील हुआ है। तो ठीक है, अभी ये कार्ड आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से आपके और थर्ड पार्टी दोनों के, और दो कार्ड इनके हो गए, ये वाले थ्री कार्ड्स इनके हो गए। अभी दो कार्ड्स और ले लेते हैं इन्हीं के लिए, आपके पर्सन के लिए, इस वाले कार्ड से, इस वाले डेक से लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं ज़रा डिटेल में रीडिंग करती हूँ, बहुत दिल से रीडिंग करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है मेरी रीडिंग में। राशियाँ सुन लीजिएगा जब तक मेरे को, जो जो नज़र आ रही हैं, किसी की भी राशि हो सकती है, आपके पर्सन की ज़्यादातर दिख रही हैं और आपके भी हो सकते हैं। एक्यूरस कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, सजिटेरियस लियो दिख रहे हैं, लिब्रा कैंसर दिख रहे हैं, और जेमिनी टॉरस एक्वेरियस वर्गो, ये सारी चीज़ें, ये सारी राशियाँ मतलब मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अभी इनकी तरफ से जो कार्ड्स लूँगी उसमें भी राशि देख लूँगी कौन सी राशि है। पॉसिबिलिटीज़, ओके, आपकी तरफ से आया है पॉसिबिलिटीज़, और दूसरा चीज़ आया है क्रिएटर, जैसे कि मतलब ठीक है। अब इनके लिए दो कार्ड्स ले लेती हूँ इनकी तरफ से, राशियाँ मुझे दिख रही हैं। फाइटिंग, थर्ड पार्टी की तरफ से फाइटिंग, थर्ड पार्टी की तरफ से फाइटिंग, ओके। सो राशियाँ मैंने बता दी थी आपको, आपकी पर्सन की सबकी बता दी थी, अभी मेरे को ज़्यादा राशियाँ नहीं दिख रही हैं तो मैं बात करती हूँ। देखो भाई, इनकी पहले मैं थर्ड पार्टी की तरफ से ले लेती हूँ कार्ड, है ना, क्योंकि मेरे को इसमें देखो थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है, जो भी चीज़ें मेरे को आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी ने परेशान करके रखा हुआ है, फाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, झगड़े बहुत हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस कंट्रोल की वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशन तोड़ दिया है, मूव ऑन कर लिया है, ऐसा तो ज़रूर किया होगा, या फिर आपसे बात करना बंद कर दी है। कुछ गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में हो गई हैं, मतलब बातें बातों में भी हो सकता है, कुछ किसी पर्सन की बात को लेकर जो है वो आप लोगों के बीच में गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हाल फिलहाल जो मेरे को इस एनर्जी से दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन था, या फिर आपके आप दोनों के बीच में जो लव था या मोहब्बत थी, या फिर थर्ड पार्टी के पास ये चले गए थे आपसे मूव ऑन करके, तो यहाँ पर जो इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइटिंग दिखाई दे रही है। और रिसेंटली आप जल्दी ही आप सुन लोगे, हो सकता है कि आपको आज ही या कल में सुनाई पड़ जाए कि जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, या फिर उनके साथ जो रिश्ता था वो तोड़ दिया सडनली, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द आपको ऐसा फैसला इनका सुनाई पड़े कि भाई जो डिसीज़न लिया था इन्होंने ऐसा कि आपसे दूर चले जाएंगे, हमेशा अगली रिश्ता तोड़ देंगे, उस डिसीजन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन तोड़ेंगे, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन खत्म करेंगे, आपके साथ जो रिलेशन है वो दोबारा से मुझे यहाँ पर
आपके साथ जो रिलेशन है मुझे लग रहा है दोबारा से यहाँ पर ये रिलेशन जो है वो स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वश में बहुत किया है, कंट्रोलिंग एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर आ रही है, काफ़ी हद तक प्लानिंग की थी थर्ड पर्सन ने कि रिलेशन जो है वो आप दोनों के बीच में खत्म हो जाए। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आपकी पर्सन ने थर्ड पार्टी को यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी थर्ड पर्सन की और आपके पर्सन के बीच में जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड या मिसअंडरस्टैंडिंग की है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा ज़रूर दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया कार्ड्स में और आप देख सकते हो इस कार्ड्स में कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें थी मेरे को दिखी थी मैंने दिखा दी, बता दी आपको कि नेक्स्ट एक्शन इनके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि फाइटिंग हो रही है, जहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पर उदासी है, स्ट्रेस है, तनाव है, और फिर वैसे भी हम लोगों ने इसमें जो कार्ड्स में देखा था वो यही चीज़ मेरे को ज़्यादा नज़र आ रही थी। अब आपके केस में क्या आप इस चीज़ को देख सकते हैं खुद ही, लेकिन यहाँ पर जो नज़र आ रही थी उदासी ही नज़र आ रही थी, स्ट्रेस ही आ रहा था, और यहाँ पर लग रहा था कि कुछ मतलब इन्होंने आपका दिल तोड़ा है या आपसे दूर जाकर मूव ऑन करके आपको ब्लॉक करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो आप पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं लव भी बहुत किया है लेकिन आपको इग्नोर भी बहुत किया है, ऐसी चीज़ें भी बहुत की जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में थे। चलिए ये तो हो गए आपके कार्ड्स, लेकिन अभी आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनकी तरफ से क्या एक्शन है मैं देख लेती हूँ। देखो सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, तो जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक स्ट्रेस तनाव मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है, डर मुझे दिखाई दे रहा है, डर मुझे फियर मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है, रिलेशन को लेकर बड़ा टेंशन स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, बिना इनके जो है वो आप रह नहीं पा रहे मैं देख रही हूँ। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको अपने रिलेशन के बारे में क्लियर भी हो गई हैं, मतलब ऐसा लग रहा है क्लियरिटी मिली है, कुछ क्लियरिटी से मतलब कुछ या तो सीक्रेट्स पता चले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें शायद आपको पता चल गई हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दुआएँ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, एंड यहाँ पर आपका मैरिज रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप या फिर मैरिड वो था डिफरेंट साइड मैरिड कोई भी रिलेशन है आपका, लेकिन मैं एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत हद तक आप स्ट्रेस में हो, क्योंकि पर्सन से बात नहीं हो पा रही, बातचीत नहीं हो पाने की वजह से आपका जो सालों पुराना का जो रिलेशन है, बहुत टाइम आपने इस रिलेशन में दिया, बहुत कुछ इस रिलेशन में दिया, और आज जो स्ट्रेस आपको हो रहा है वो इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, आपने सोचा था कि ये रिलेशन जो है वो मेरी ज़िंदगी बदल देगा, या फिर मेरा यही तो मेरा पार्टनर है, कोई नहीं है बस यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा ड्रीम पार्टनर है जो मुझे पूरी ज़िंदगी हैप्पी रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मामले में जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो गई थर्ड पार्टी की वजह से, आप दोनों के बीच में दूरियाँ, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े, या फिर आप दोनों के बीच में आपको इन्होंने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोग बिल्कुल अलग मुझे दिखाई दे रहे हो, इनकी फीलिंग्स से मुझे आपको लेकर आज जो मैंने इसमें देखा वो आपके लिए ही प्यार देखा, इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने बैलेंस देखा उस बैलेंस को देखकर तो मुझे भी जो है वो ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि मतलब ये अब कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे जो कि मैं सोच रही थी, तो डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ रियूनियन ही दिखाई दे रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना ही दिखाई दे रहा है। अभी मैं ये दो कार्ड्स जो मैंने आपके पर्सन की तरफ से निकाले थे मैं इनको रीड करना चाहूँगी। देखिए आपका जो रिलेशन है ना वो ईश्वर की तरफ से है, रब ने बनाया है आपका जो रिलेशन है, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों मिले हो, तो ये तो कोई अलग नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड इनकी तरफ से आया था, देखिए आपकी तरफ से ये कार्ड आए थे और थर्ड पार्टी की तरफ से जो मैंने कार्ड्स निकाले थे, जस्ट मिनट में आपको दिखा देती हूँ, थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे ये कार्ड्स आए थे, आपने देखा ना कितना अंतर है आपके कार्ड में थर्ड पार्टी के कार्ड में, तो थर्ड पर्सन के साथ इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन फ्यूचर तक तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली ये दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे और ये आपके पास ही लौट कर आने वाले हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है अच्छे से, और यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ है, लव की पॉसिबिलिटीज़ है, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है, एक साथ फ्यूचर प्लानिंग की पॉसिबिलिटीज़ है, एक साथ ड्रीम्स देखने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के जो रिश्ते का जो क्रिएटर है, जो गॉड यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स है, मतलब आपका जो रिश्ता बनाया है वो यूनिवर्स ने बनाया है, और जो यूनिवर्स की तरफ से जो भी रिश्ता बनाते हैं, जो भी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से बनाई जाती है, कहते हैं गॉड गिफ्ट, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो आपका है वो यूनिवर्स की तरफ से है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच का जो प्यार है, जो रिश्ता है वो लौट आएगा, आपका पर्सन जो है अगर उसका नेक्स्ट एक्शन होगा वो आपके लिए होगा, चाहे भले ही उसने आपको कितना भी दूर किया हो, कितना भी आप उनके लिए रोए हो, स्ट्रेस में लिया हो, कितना भी वो भूल गए हो, लेकिन आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लौट कर ये आपके पास ही आएंगे, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा।
ठीक है डियर। सो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मेरे से कोई भी रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, तो मेरा नंबर मेरे ही वीडियो पर मिल जाएगा। आपको पेड सर्विस है तो केवल मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल कोई भी ना करा करें, सिर्फ मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।